हेलो एवरीवन वेलकम टू डीटीएस डिकोडिंग द हिंदू वी आर हियर टू डिकोड द हिंदू फॉर ऑल दोज एग्जामिनेशंस वेयर यू आर नीडेड टू बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टू डेज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल लास्ट सो लेट्स गेट स्टार्टेड आज है सेवन सेप्टेम्बर सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन प्री से रिलेटेड है हमने कल ही प्री के टॉपिक को समझा इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन पिक किया है प्रियम्बल इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजन फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट इन द बेरुवारी केस रूल दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड इन नंदा भारती केस रिवर्स द डिसीजन एंड रूल दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फोलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना वन नो टू इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है मैंने आपको कल ही बताया था इससे रिलेटेड प्रियम्बल से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस था वो केशव नंदा भारती केस था अगर आपने स्टेटिक पार्ट रिवाइज़ किया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे एक क्योर्ट देख लेते हैं नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम किसकी क्यूट है ये एरिस्टोटल की ये क्योर्ट आपको एथिक्स और ऐसे में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपको नोट डाउन करके रख लेनी है न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया में फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन डेवलप कर ली गई है किसने डेवलप की है ये भारत बायोटेक ने ये नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है ऑल द यू नाम नहीं पूछेगा लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया है तो आपको नाम याद होना चाहिए भारत बायोटेक ने इंडिया की फर्स्ट नेजल कोविड नाइन्टीन वैक्सीन को डेवलप किया है हमें पता है कोई भी ड्रग है उसको अप्रूव कौन करता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अभी एमरजेंसी में रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए इसको अप्रूव किया गया है सो दैट कोविड नाइन्टीन से लड़ने में हमारी कैपेबिलिटीज और बढ़ जाए तो यहाँ सी डी एस सी ओ के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सी डी एस सी ओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल के अंडर काम करता है और ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या क्या काम है इसके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर सी डी एस सी हो जो है वो नई ड्रग्स को अप्रूव करता है उनके जो क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट करवाता है ड्रग्स के लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो बताता है जो भी इंडिया में इंपोर्ट होगी ड्रग उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम भी इसी का है उसके बाद स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करवाता है सो so दैट कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स है उसको अच्छे से इन्फोर्स किया जा सके मतलब सभी स्टेट्स में उसको अच्छे से इन्फोर्स किया जा सके और सी डी एस सी ओ क्या है अपने स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर जो भी स्पेशल कैटेगरीज की क्रिटिकल ड्रग्स हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है मतलब सी डी एस ओ अकेले जो भी क्रिटिकल ड्रग्स होती हैं उनका लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करवाता स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर फिर उसके बाद लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है क्रिटिकल ड्रग कौन कौन सी हो सकती है जैसे ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स आई वी फ्लूइड्स वैक्सीन सीरा ये सब स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर लाइसेंस इनको प्रोवाइड करवाया जाता है इसमें यही इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है दो फोनर्स को 1200 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है ड्रग कौन कौन सी मिली है उनके पास एक तो ड्रग मिथामफेटेमाइन और दूसरी अफगान औरिजिन हीरोइन ये ड्रग्स मिली हैं इनके पास तो इन्हें पकड़ा गया है और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए एफ आई जो हुई है वो यू एक्ट के सेक्शंस के अंदर हुई है तो हमारे लिए यू को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसका नाम है ये किस लिए बनाया गया था कि कोई भी इंडिविजुअल एसोसिएशन अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करे तो उनको इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सके और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अगर देश के किसी भी कोने में हो रही है उसके साथ डील करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था इसको अमेंड किया गया 2004, 2008, 2013 और 2019 में और कई सारे टेररिज्म जैसे नए नए कई फेस डेवलप हो रहे टेररिज्म के उनसे रिलेटेड नए नए प्रोविजन इसमें टाइम टू टाइम ऐड किए गए की प्रोविजन्स क्या हैं दोनों फॉरनर्स और इंडियन दोनों को चार्ज किया जा सकता है यूएपीए के अंदर अब हमने देखा इस आर्टिकल में फॉरनर्स को चार्ज किया गया है तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यूएपीए एक्ट के अंडर हम फोरनर्स को चार्ज नहीं कर सकते ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है जो भी ऑफेंस इंडिया के बाहर होंगे उस पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा मतलब इंडिया की टेरिटरीज के बाहर भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा अरेस्ट करने के मैक्सिमम 180 डेज के अंदर हमें चार्जशीट को फाइल करना होगा इस लॉ के अंदर मैक्सिमम 180 डेज़ का टाइम है पुलिस के पास चार्जशीट को फाइल करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम है विद इन नाइन्टी डेज तीन महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को कम्प्लीट करना होगा अगर ऐसा नहीं कर पाती है पुलिस तो जो एक्यूज है वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाएगा और जो यू के ट्रायल्स हैं वो एक स्पेशल कोर्ट में किए जाएंगे 2019 में यू एक्ट में अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या कहा गया कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे कहा जाएगा किस बेसिस पे उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट किस बेसिस पे डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर वो किसी भी टेररिज्म के एक्ट में पार्टिसिपेट करता हुआ पाया जाता है टेररिज्म के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा होता है या फिर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उन्हें टेररिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेजिग्नेशन दे दी जाएगी और जो डायरेक्टर जनरल है उनका अप्रूवल जरूरी है अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनआईए हमें पता है इन्वेस्टिगेशन करती है उसके दौरान अगर कोई भी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहती है तो किसका अप्रूवल लगेगा डायरेक्टर जनरल का एनआईए में जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे या उससे अबव रैंक के ऑफिसर्स होंगे वही केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ ऑफ एक्ट्स न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 में आया था इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट अगर कमिट होता है उसको भी इस शेड्यूल में एक्ट एड कर दिया जाए मतलब नए नए मैंने बताया तरीके डेवलप हो रहे हैं टेररिज्म के तो उन सभी को इसके अंदर एड कर दिया जाए इसके लिए शेड्यूल ऐड किया गया इसमें यही था नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास बेंगलोर में जो रेन्स हो रही हैं उससे रिलेटेड है हमें पता है काफ़ी हैवी रेन्स इस बार देखने को मिल रही हैं और फ्लड्स जो है उसकी वजह से लोगों की जान के ऊपर बन आई है इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है आर्टिकल में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमें पता है फ्लड्स नॉर्मली आती रहती हैं इसके लिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट में जी में पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं फ्लड्स वाला लेकिन इस आर्टिकल में हमारे पास नाम आया था बेलंड और वर्थुर लेक का तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में बताने के लिए इस आर्टिकल को उठाया है जो ये बेलंदुर लेक है ये बेंगलोर की लार्जेस्ट लेक है और इसी लेक में से पानी बहते हुए वारथुर लेक में जाता है मतलब आपस में एक तरह से इंटरकनेक्टेड ये लेक्स दोनों हैं और ये न्यूज़ में भी थी दोनों लेक क्योंकि बेंगलोर का जो ट्रीटेड और अनट्रीटेड सीवेज है वो मेनली इसी लेक में डंप किया जाता है इन दोनों लेक्स में डंप किया जाता है इसलिए काफ़ी हाईली पॉल्यूटेड थी इसलिए कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी थी और जो ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल केमिकल पाया जाता है इन दोनों लेक्स के वाटर में इसकी वजह से क्या होता है इस इन दोनों लेक में काफी फ्रीक्वेंटली फायर कैच हो जाती है मतलब आग लग जाती है इन लेक में लेक सरफेस पे इसलिए न्यूज में था ये आपको पता होना चाहिए बेंगलोर में ये लेक है बेलंदुर जो लेक है वो बेंगलोर की लार्जेस्ट लेक है इसमें जस्ट इतना ही था नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है श्रीलंकन नेवी ने ट्वेल्व फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो इंटरनेशनल मेरी बाउंड्री लाइन क्रॉस करके Uh, उन्हें पता नहीं चला और वो फिशिंग करते हुए इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्या है मेरी बाउंड्री क्या होती है हमारी जो अर्थ का वाटर सरफेस एरिया है उसका डिवीजन करना कैसे डिवीज़न करेंगे या तो कोई साइक्योग्राफिक क्राइटेरिया रखेंगे या फिर कोई जियोपॉलिटिकल क्राइटेरिया रखेंगे उस बेसिस पे जो वाटर सरफेस एरियाज है उनका डिवीजन करना मेरी बाउंड्री कहलाता है और जो भी नेशंस हैं उनके एक्सक्लूसिव राइट्स के बारे में मेरी टाइम बाउंड्री से डिसाइड किया जाता है किस किस पे राइट्स बताए जाते हैं जैसे मिनरल रिसोर्सिज़ हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं जो भी ओशंस के मेरी टाइम बॉडीज के उनके मिनरल और बायोलॉजिकल रिसोर्स मेरी टाइम फीचर्स लिमिट्स जोन इन सब को बांटा जाता है मेरी टाइम बाउंड्री को एक किसी भी कंट्री के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक डिलिमिनेट किया जाता है मतलब एक तरह से मार्क किया जाता है जो किसी भी कंट्री का कोस्ट लाइन का जूरिस्टिक्शन है उससे कुछ दूरी तक उसको एक मेरी बाउंड्री दे दी जाती है सो so दैट उतने पोर्शन में वो अपने कोई भी उसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है कोई भी रिसोर्स एक्सप्लोर करने तो वो कर सकती है कंट्री उसके बाद कुछ कंट्रीज़ में ये जो टर्म है मेरी बाउंड्री इसका यूज़ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है कि जो भी मेरी नेशन है उसके बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी बाउंड्री वाली टर्म का यूज किया जाता है और यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी भी इसी डेफिनेशन को मानता है कि मेरी बाउंड्री का मतलब है कोई भी मेरी नेशन है उसके बॉर्डर्स और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये लेक और रिवर की बाउंड्रीज पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि रिवर और सॉरी लेक और रिवर की बाउंड्रीज पे तो जो लैंड बाउंड्रीज होती हैं वही अप्लाई होती है ये होती है केवल ओशंस पे अब यूएन क्लोज के बारे में देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ़ सी 1982 में आया था इसको लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है ये मेराइन एरिया को मेनली फाइव जोन्स में डिवाइड करता है कौन कौन से जोन्स में इंटरनल वाटर्स टेरिटोरियल सी कॉन्टिगस जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज और यूनेस्कोस इकलौता ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसपे मेरी टाइम स्पेसिस पे स्टेट का जुरिस्डिक्शन का फ्रेमवर्क दिया जाता है मतलब मैरिटाइम स्पेसेस में किस स्टेट का कितना ज्यूरिस्डिक्शन होगा ऐसा बताने वाला ये इकलौता इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये डिफरेंट मैरिटाइम ज़ोन्स को डिफरेंट लीगल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है और क्या काम है इसका ये आ, कोई भी कोस्टल स्टेट है उसकी ऑफशोर गवर्नेंस को आ, मतलब एक तरह से बैक करता है उसके बाद केवल कोस्टल की ऑफशोर एरियाज ही नहीं बल्कि स्टेट्स को ये अपने गाइड्स से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है उनके राइट्स क्या है स्टेट में और जो फाइव कंसेंट्रिक जोन्स है उसमें किसी भी स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब बताने का काम किसका है यू एन का है थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देती हूँ आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में ये कोई भी आ, किसी भी कंट्री की ये बाउंड्री है सपोज तो यहाँ से बेस लाइन है बेस लाइन से लेके जो कंट्री की लैंड है इसको कहा जाएगा इस पानी को कहा जाएगा इंटरनल वाटर्स इसके बाद बेस लाइन से अगले ट्वेल्व नोटिकल माइल्स तक क्या होगा टेरिटोरियल सी और लैंड और टेरिटोरियल सी मतलब इंटरनल वाटर्स और टेरिटोरियल सी वाला जो स्पेस होगा नेशनल एयर स्पेस इस एयर स्पेस को जो कंट्री है जो इधर कंट्री है वो यूज करेगी उसके बाद जो बेस लाइन है ये ट्वेल्व नोटिकल माइल्स तो टेरिटोरियल सी हो गया एक मिनट आ, ये ट्वेल्व नोटिकल माइल्स तो टेरिटोरियल सी हो गया, उसके बाद अगला जो ट्वेल्व नोटिकल माइल्स है इसको कहा जाएगा कॉन्टिगस जोन ये स्टार्ट हो रहा है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये ट्वेल्व नोटिकल माइल्स इसके साथ में यहां कितने बचे ये टू हंड्रेड वाला मतलब एक तरह से 188 जो नॉटिकल माइल्स है इधर 188 नॉटिकल माइल्स ये मिलके क्या बनाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ये किसी भी नेशन ये जो इधर नेशन है ये इसके जूरिस्डिक्शन के अंडर होगा ये आपको पता होना चाहिए और लेकिन ये तो नेशनल एयर स्पेस था जो ट्वेल्व नोटिकल माइल्स था बेस लाइन से यहाँ केवल एयर स्पेस से अगर किसी भी अदर कंट्री के एयरलाइन को जाना होगा तो परमिशन लेनी होगी प्रायर परमिशन लेनी होगी लेकिन ये जो है ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है यहाँ से अगर किसी भी एयरलाइन को जाना है किसी भी फ्लाइट को जाना है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है इसमें यही था नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है चिले में रेफरेंडम हुआ है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से के लिए तो इसको हम पढ़ेंगे बट उससे पहले आपसे दो मिनट बात करना चाहूँगी सी आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो इतना लेट हो गया और एक्चुअली uh, uh, मैं आज सोच रही थी कि वीडियो अपलोड करूँ या नहीं करूँ लेकिन अगर जैसे मैंने कमिट कर रखा है किसी काम को करने के लिए तो मेरा मन खुद नहीं माना इसलिए मैंने तबीयत ख़राब होते हुए भी लेक्चर uh, प्रिपेयर किया ऑल मुझे लग रहा है कि आज इतना uh, हार्ड वर्क मैं पुट नहीं कर पाई शायद लेक्चर में क्योंकि रियली में, में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी आज आ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा अगर हो सके तो हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर दिया कीजिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आ, मुझे सी कोई और इंसेंटिव नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने से केवल यही है कि आप लोग लाइक कर देते तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ मैं हार्डवर्क जो पुट कर रही हूँ उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं बस इतना ही था अब अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं मैंने बताया चिले में रेफरेंडम हुआ है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस आर्टिकल में एज सच हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा देख लेते हैं कि चेंजेस क्या लाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं माइनिंग ग्रांट्स में कुछ रिफॉर्म किए गए हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड और एनवायरमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं चिले के कॉन्स्टिट्यूशन uh, में अब एक डाटा हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो क्या है चिले जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीथियम का और फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा लिथियम का ऑस्ट्रेलिया लीथियम हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आने वाली चीज़ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर वगैरह का खतरा काफ़ी रशिया यू के कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफ़ी न्यूक्लियर खतरा न्यूक्लियर एनर्जी के मिसयूज़ का खतरा हमारे ऊपर बढ़ गया है इसलिए मैंने लिथियम के बारे में बता दिया कि लिथियम सेकंड हाईएस्ट मिलता है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का चिले और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है रेफरेंडम प्लेबिसाइट क्या होते हैं रेफरेंडम प्लेबिसाइट देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार डिवाइसेज होते हैं मतलब डेमोक्रेसी को दो तरीके से आप होल्ड करा सकते हैं एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबसे पहले डायरेक्ट वाली देखेंगे डायरेक्ट वाली चार तरीकों से करवाई जा सकती है रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल और प्लेबिसाइट सबसे पहले रेफरेंडम रेफरेंडम की बात हुई है चिल्ले में रेफरेंडम से ही हुआ है रेफरेंडम मैंने बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ सिटीजन्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी पर्टिकुलर इशू पर डायरेक्टली अपना वोट डालने की मतलब कोई भी पर्टिकुलर इशू है उस पर डायरेक्टली जो वोट करेंगे वो खुद सिटीजन्स करेंगे और इसे एक बेटर डेमोक्रेसिक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है और मॉडर्न स्टेट्स में इसका रेलिवेंस काफ़ी ज़्यादा देखा गया है क्योंकि लोगों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इससे हो जाती है अब नेक्स्ट है इनिशिएटिव इनिशिएटिव क्या होता है जब पीपल जब वहाँ के किसी भी कंट्री के सिटीजन्स कोई भी बिल खुद प्रोपोज करें लेजिस्लेटर में उस टाइम उसको क्या कहा जाएगा इनिशिएटिव मतलब पीपल खुद इनिशिएटिव लें किसी भी बिल को प्रपोज करने का उस टाइम उसको इनिशिएटिव कहा जाएगा रिकॉल में क्या है रिकॉल में जो वोटर्स हैं उनको वो क्या करते हैं कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है या ऑफिसर है उसको रिमूव करने के लिए आगे आते हैं मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसे उसकी टर्म अभी खत्म नहीं हो उससे पहले हटाना चाहते हैं तो अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा है तो वोटर्स रिकॉल इनिशिएटिव की हेल्प से रिकॉल सॉरी रिकॉल इनिशिएटिव नहीं बोलूंगी मैं रिकॉल मेथड के हेल्प से उसको हटा सकते हैं प्लेबिसाइड क्या होता है प्लेबिसाइड ये होता है कि किसी भी कोई इशू है पब्लिक इम्पोर्टेंस का उस पर लोगों का ओपिनियन लेना और मेनली ये कैसे मैटर्स पे किया जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे हमें पता है आ, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में करवाया जाता है कि आ, वो कौन सी कंट्री का पार्ट रहना चाहती हैं तो वहाँ प्लेबिसाइड करवाया जाता है जहाँ दो देशों के बीच किसी भी टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट होता है तो उस टाइम पे प्लेबिसाइड का यूज़ किया जाता है अब मैंने बताया था ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट थे इनडायरेक्ट वाली के कौन कौन से होते हैं इनडायरेक्ट वाली होती कौन सी है डेमोक्रेसी जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और वो पावर रखते हैं मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली आगे नहीं आते पीपल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वो कुछ लोगों को कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जिनके पास वो सारी सुप्रीम पावर दे देते हैं डिसीजन मेकिंग की इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है पार्लियामेंट्री और प्रेजिडेंशियल हमें पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी एट्टीन ईयर से अबोव है उसके पास वोट करने का राइट है हमें पता है आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास इंटरमीडियंट फास्टिंग से रिलेटेड है इंटरमीडियंट फास्टिंग का क्रेज काफी बढ़ गया है लोगों में क्योंकि ये वेट लॉस के लिए एक इफेक्टिव मेथड साबित हो रहा है इसलिए आज इसके बेनिफिट्स यहाँ बताए गए हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरमीटेंट फास्टिंग होती क्या है इंटरमीटेंट uh, फास्टिंग को ऐसे डिफाइन uh, किया जा सकता है कि सिक्सटीन आवर्स रोज आप फास्टिंग करें अप टू सिक्सटीन आवर्स तक आप अगर किसी टाइम uh, के लिए किसी दिन फास्टिंग करें या फिर अल्टरनेट डेज पे आप 24 फोर आवर्स का फास्ट रखें मतलब आज आपने खाना खाया कल आपका 24 फोर आवर का फास्ट उसके बाद नेक्स्ट डे आपने खाना खाया उससे नेक्स्ट डे आपका फास्ट ऐसे अल्टरनेट डेज पे आप 24 फोर आवर के लिए फास्ट रखें या फिर आ, किसी भी वीक के किसी भी वीक में दो बार आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब लगातार नहीं कोई भी दो दिन वीक के जो कि कॉन्टिन्यूस ना हो कंप्लीट 24 फोर आवर का फास्ट रखें तो इन्हें क्या कहा जाएगा इंटरमीडियट फास्टिंग या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो अगर 12 से 20 घंटे के लिए आप फास्ट रख रहे हैं अगर कोई भी फास्टिंग पीरियड आपका 12 से 20 घंटे तक का है तो उसी को इंटरमीडियंट फास्टिंग कह दिया जाएगा और जो बचे हुए घंटे हैं बचे हुए आवर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा फीडिंग पीरियड इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ मैं इसमें क्योंकि एट सच और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इससे क्या होता है मीन वेट में काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन पाया जाता है काफ़ी अच्छा वेट लॉस जिससे हो जाता है वेस्ट की जो सरकम है हमें पता है वेस्ट जो मतलब वेस्ट की सरकमफ्रेंस वर्ड इसने यूज़ कर दिया ऑल दो सर्कल के लिए यूज होती है लेकिन आई डोंट नो इसने यहाँ क्यों यूज़ कर दिया सरकमफ्रेंस वर्ड वेस्ट आप एक तरह से रिड्यूस होती देख पाएंगे इसमें बॉडी मास्क इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कैलरी इंटेक बढ़ जाएगा और प्रोटीन इंटेक भी बढ़ता हुआ पाया जाता है उसके बाद जो बॉडी फैट परसेंटेज है और विसरल फैट है उसमें काफ़ी अच्छा रिडक्शन देखने को मिलता है अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो था बॉडी मास इंडेक्स तो इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्या होती है बॉडी मास इंडेक्स की जब वेट है वेट को हम के में मेज़र करते हैं उसको डिवाइड किया जाता है हाइट स्क्र हाइट के स्क्यर से हाइट को हम मीटर्स में जब मेज़र uh, करेंगे और वेट को के में मेजर करेंगे तो उस टाइम वेट अपॉन हाइट का स्क्यर मतलब वेट अपॉन हाइट का स्क्यर इसको क्या कहा जाएगा बॉडी मास इंडेक्स और डब्ल्यू ने क्या कहा है कि एक नॉर्मल बी रेंज क्या होती है 18.5 से 24.9, 18.5 से 24.9 बी एम आई रेंज है और ओवर वेट हो जाता है अगर ट्वेंटी फाइव से ज्यादा है और ओबेसिटी मानी जाएगी अगर थर्टी से ये ज्यादा है ये आपको याद रखना है ट्वेंटी फाइव वाला ओवरवेट कहलाएगा और थर्टी से ऊपर वाला ओबेसिटी वाला कहलाएगा ये कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन पूछ के इंडिया की रैंक बोटम से थर्ड और फिफ्थ आती है जहाँ 19 ईयर ओल्ड गर्ल्स में लो बी एम आई पाया जाता है गर्ल्स में आती है बोटम से थर्ड रैंक और बॉयज़ के लिए आती है बोटम से फिफ्थ रैंक मतलब हमारी परफॉर्मेंस बी एम आई पे काफ़ी लो है यह आपको देखने को इसमें मिलता है इसमें यही इम्पोर्टेंट था नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है हमें पता है बीजेपी के दो एम पीज और उनके साथ में सेवन पर्सनस को बुक किया गया था देवगढ़ पुलिस के द्वारा क्योंकि उन्होंने एलिजिडली एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में फोर्सिबली एंटर किया था तो उस टाइम पे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो पब्लिक सर्वेंट जो है उनको अपनी ड्यूटी चार्ज डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे हैं और भी काफ़ी सारे उनके ऊपर चार्जेस लगे थे उसके बदले में उन्होंने जो वहाँ के आई ऑफिसर हैं उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया कि एमपी ने इल्ज़ाम लगाया शिकांत दुबे जी ने कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी देवगढ़ एयरपोर्ट पे कॉन्स्पिरेसी थी तो उस बेसिस पे आईएएस ऑफिसर जी आईएएस ऑफिसर पे इल्ज़ाम लगाए गए थे तो क्या हुआ अभी तक दिल्ली पुलिस के पास कोई जीरो एफआईआर आई नहीं है इसलिए कोई एक्शन इस चीज़ पे नहीं लिया गया है इसी के बारे में बात हुई है कि जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं आ जाएगी तब तक कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट जो है वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के बारे में देख लेते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो मेनली दो आस्पेक्ट में डील करता है एक तो स्पाइंग मतलब जासूसी दूसरा डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी गवर्नमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हुए पाया जाए या फिर जासूसी करता हुआ पाया जाए उस वहाँ कौन सा लॉ आ जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एनफोर्समेंट में आ जाएगा लेकिन ये जो एक्ट है इसमें कहीं भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं किया गया इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है इसमें गवर्नमेंट जो है वो मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन 1994 को फॉलो कर दी है किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट बताना है या नहीं बताना है उसको क्लासिफाई करने के लिए मतलब डेफिनेशन कोई नहीं दी गई है केवल एक लॉ मैनुअल कोड है उसको यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को उसके बाद कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसमें मेनली क्या इंक्लूड किया जाता है कोई भी ऑफिशियल कोड पासवर्ड स्केच प्लान मॉडल आर्टिकल नोट डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन अगर कोई पर्सन इसके अंदर गिल्टी पाया जाता है तो उसे 14 इयर्स तक की जेल हो सकती है कोई फाइन लग सकता है या दोनों भी लग सकते हैं उसके बाद अगर कोई पर्सन ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है और दूसरा पर्सन कोई रिसीव करता है तो केवल इन्फॉर्मेशन देने वाले को ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाले को भी इस एक्ट के अंडर पनिश किया जा सकता है यही इंपॉर्टेंट था इसमें नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमें पता है हमारे यहाँ कूनो पालपुर फॉरेस्ट में जो कि एम में है आ, अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है तो कहा जा रहा है कि मोदी जी का बर्थडे आ रहा है अभी सेवनटीन सेप्टेम्बर को उस दिन यहाँ इनको लाया जा सकता है तो हमारे लिए अफ्रीकन चीता को देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले तो हमारे यहाँ मिलते थे एशियाटिक चीता अब लाया जा रहा है अफ्रीकन चीता एशियाटिक चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका था इंडिया से ये आपको पता होना चाहिए अब डिफरेंस देखते चलेंगे अफ्रीकन वाले में और एशियाटिक वाले में हमारे यहाँ एशियाटिक था अभी आएगा अफ्रीकन ये आपको पता होना चाहिए आयुसियन स्टेटस क्या है अफ्रीकन वाले का जो अब आएगा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा री इंट्रोड्यूस उसका है वल्ना जो एशियाटिक चीता था ये था क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स की लिस्ट अपेंडिक्स वन में रखी गई है और इसको भी अपेंडिक्स वन में रखा गया है मतलब इनके ट्रेड में कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है उसके बाद ये जो अफ्रीकन चीता है इनकी स्ट्रेंथ अराउंड सिक्सटी फाइव हंड्रेड टू सेवन थाउजेंड है लेकिन ये जो एशियाटिक चीता है कि ये केवल ईरान में मिलते हैं और स्ट्रेंथ कितनी है फोर्टी फिफ्टी आप देख सकते हैं इसीलिए इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है अब जो अफ्रीकन चीता है ये एशियाटिक चीता की कंपेरिजन में बड़े साइज में होते हैं लेकिन जो एशियाटिक चीता है वो अफ्रीकन चीता से स्मॉल भी होते थे पेलर मतलब हल्के रंग के ज्यादा फर भी इनके पाए जाते थे इनका जो सिर था वो अफ्रीकन चीता से थोड़ा छोटा था नेक थी जो गर्दन थी वो थोड़ी लंबी थी थोड़ी आईज़ जो है वो रेडिश थी और इनकी एक कैट लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलती थी अब कूनो नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं सी जब भी कूनो पालपुर बोलेंगे तो कूनो पालपुर नाम होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए डिनोट करने के लिए और जब भी नेशनल पार्क की बात आती है तो उसके लिए केवल कूनो नेशनल पार्क इसको बोला जाता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी अगर हो तो कंफ्यूज नहीं होना है कूनो नेशनल पार्क जो है वो सेवन फोर एट पॉइंट सेवन सिक्स स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है इसमें कूनो रिवर बहती है कूनो रिवर चंबल रिवर की एक मेजर ट्राइब्यूटरी है और ये कुछ इस तरह से बहती है कि नेशनल पार्क को बाइसेक्ट करती है मतलब दो इक्वल भाग में ये डिवाइड करती है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको याद रखना है कूनो पार्क में आ, क्या क्या मिलते हैं लियोपार्ड जैकल और चिंकारा इसके लिए इसको जाना जाता है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इन दोनों ने मिल के कूनो पालपुर पार्क को शॉर्ट किया था जो कि चीता का री रीइंट्रोडक्शन होना था और एशियाटिक लॉयस का री इंट्रोडक्शन होना था तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेश्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था ये शॉर्टलिस्ट किया था कि कूनो पालपुर जो पार्क है वो ए, ए, एकदम एडिक्वेट रहेगा ये आपको पता होना चाहिए यही इंपॉर्टेंट था इनका आई स्टेटस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रख नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाया गया था एन उसके अंदर लिमिटेड चेंज देखा गया है मतलब जितना उससे रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना रिस्पांस नहीं देखा गया एक लिमिटेड चेंज देखा गया है केवल फोर्टीन सिटीज़ में टेन परसेंट ड्रॉप पाया गया है पीएम 2.5 टू पॉइंट फाइव के लेवल का मैंने बताया एन की बात चल रही है यहाँ और एन uh, ने एन uh, को टू थाउजेंड में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था टू तक पी एम के लेवल को और पी एम के लेवल को 20 से 30 परसेंट तक रिड्यूस करना जो कि 2017 के लेवल से उससे मतलब बेस किसको रखा गया था 2017 वाले पोल्यूशन लेवल को और उसके अकॉर्डिंग जो पीएम 2.5 और पीएम 10 के आ, जो आ, एम था ये था कि इनको 20 से 30 परसेंट तक रिड्यूस करना है तो इसमें अटेनमेंट नहीं हो पाई है और इसके लिए फ़ंड्स कौन देता है इन सभी स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए वो देते हैं सी पी सी बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो इस आर्टिकल में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे एक तो सी पी सी बी दूसरा एन सी ए पी यही इंपॉर्टेंट हमारे पास है एनसीए के बारे में देख लेते हैं 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन ने इसको लॉन्च किया था फर्स्ट एवर एफर्ट था हमारी कंट्री का एक नेशनल फ्रेमवर्क जिसमें तैयार किया गया था और इसमें क्या रखा गया था टाइम बाउंड टारगेट रखा गया था सो दैट एयर क्वालिटी को मैनेज किया जा सके टाइम बाउंड इम्पॉर्टेंट है कि एक लिमिटेड टाइम रखा गया था टारगेट रखा गया था इसके बाद इसका क्या था मैंने आपको बताया कि 2017 को बेस ईयर मान के जो पी एम है और पी एम है उनकी कंसनट्रेशन को एटलीस्ट 20 से 30 परसेंट तक नेक्स्ट फाइव ईयर्स में 2024 तक डिक्रीज करना और इस प्लान में क्या किया गया था 102 हंड्रेड टू नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था यह आपको ध्यान रखना है पैन इंडिया के लिए नहीं था पूरे इंडिया के लिए ये नहीं था केवल 102 हंड्रेड टू नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था और मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई किसने किया था इन सिटीज़ को सीपीसीबी ने किस बेसिस पे किया था कि इनकी एयर क्वालिटी डाटा के बेसिस पे कि इन्होंने 2011 से 2015 तक यहाँ कैसी एयर क्वालिटी रही है उस बेसिस पे सीपीसीबी ने ये सिटीज़ डिसाइड की थी अब नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का मतलब क्या है कि जो नेशनल एम्बेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती हैं उन सिटीज़ को चूज़ किया गया था जिनमें एयर क्वालिटी सबसे वर्स थी अब सी के बारे में देखना इंपॉर्टेंट है, है ये एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है कौन से एक्ट के अंडर बनाई गई है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 1974 में इसको बनाया गया था लेकिन इंपॉर्टेंट है पावर और फंक्शन जो इसके आते हैं वो आते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन से बनाया तो वाटर वाले एक्ट के अंडर गया इसको लेकिन पावर और फंक्शन आते हैं एयर वाले एक्ट के यहाँ कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है और ये एक फील्ड फॉर्मेशन की तरह सर्व करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है कौन से एक्ट के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसके प्रिंसिपल फंक्शंस देख लेते हैं जो भी स्ट्रीम्स और वेल्स होते हैं उनकी क्लिननेस को प्रमोट करना और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना ये इसका काम है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना और एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कंट्रोल और मात देना पूरी कंट्री में ये इसके काम है ये इंपॉर्टेंट थे इस आर्टिकल में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं ये कहा गया है कि Uh, कुछ सिविल सर्विसेज़ की ब्रांचेज में हमें पता है यूपीएससी में कुछ ब्रांचेज में डिसेबल्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया गया एक्सक्लूड रखा गया है आई के लिए भी काफ़ी फिजिकल फिटनेस की डिमांड रखी गई है हर कोई कैंडिडेट आई के लिए एलिजिबल नहीं होता है इसके लिए कहा गया है कि जब और कंट्रीज जैसे इज़राइल अमेरिका कनाडा की फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस डिसेबल्ड पर्सनस को अकोमोडेट कर सकती है तो इंडिया में आईपीएस सर्विसेज में डिसेबल्ड को अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा सकता तो ये कहा गया है कि ट्रेनिंग कैसे होगी फाइव मील्स तक भगाया जाता है जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं डेली उनको रनिंग करवाई जाती है ट्रेनिंग के टाइम पे तो ये कहा गया है काउंटर आर्गुमेंट ये दिया गया है कि अदर कंट्रीज में जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग रखी जाती है सेम ट्रेनिंग आप उनको नहीं दे सकते और हमारी कंट्री में क्या है कि जो सी है और दिल्ली और केरला पुलिस में भी डिसेबल्ड पर्सन को अलाउ किया गया है लेकिन आईपीएस में केवल प्रॉब्लम दिखाई जा रही है अब ये जो बात आई ये जो इशू सामने आया ये क्यों आया एक एनजीओ ने चैलेंज किया था कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको ये डिसीजन लास्ट ईयर लिया गया कि डिसेबल्ड पर्सन को कुछ सिविल सर्विसेज की पर्टिकुलर ब्रांचेस से एक्सक्लूड रखा जाएगा ये एनजीओ ने ये कहा कि ये अनलॉफुल है और आर्बिट्ररी है और जो राइट ऑफ पर्सन विद डिबिलिटी एक्ट है उसका खनन है मतलब उसका एक तरह से उसको मतलब उसके खिलाफ है ये इस एक्ट के बारे में देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट ऑफ पर्सन विद डिबिलिटीज एक्ट 2016 इसमें डिसेबिलिटी को एक इवोल्विंग और डायनेमिक कॉन्सेप्ट के तौर पे डिफाइन किया गया है इवोल्विंग का मतलब कि डिसेबिलिटी कि टर्म ऐसी है ये इवॉल्व टाइम के साथ इवॉल्व होती है चेंज होती है और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेटिक कॉन्सेप्ट आप इसको नहीं कह सकते ये चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है जो एबिलिटीज uh, थी पहले सेवन थी अब इस एक्ट के अंदर ट्वेंटी वन उनको बता दिया गया इंक्रीज कर दिया गया है इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को एड कर दिया गया है मेंटल इलनेस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सेलिब्रल पेलसी ऐसी काफ़ी सारी लेकिन आपको ध्यान कौन सी रखना है आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी ये इम्पोर्टेंट है एक डीप ब्लाइंडनेस एसिड अटैक विक्टिम्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको भी ऐड कर दिया गया है और पार्किंसन डिजीज ये आपको याद रखनी है ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी डिसेबिलिटीज को ये राइट टू राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंडर ऐड किया गया है तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है तो आपको इनका ध्यान रखना है उसके बाद गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट uh, के पास ये पावर है कि वो किसी भी अदर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को नोटिफाई कर सकती है उसके बाद uh, जो रिजर्वेशन थी डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो भी इंक्रीज कर दी गई है थ्री परसेंट थी गवर्नमेंट जॉब्स में उसको फोर परसेंट कर दिया गया है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में थ्री परसेंट थी उसको फाइव परसेंट कर दिया गया है जो भी कोई चाइल्ड है सिक्स ईयर्स से एट्टीन ईयर्स के एज ग्रुप का और डिसेबल uh, है उसके पास फ्री एजुकेशन का राइट right भी होगा उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट रिकोगनाइज जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी इनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं उनमें डिसेबल पर्सनस को एक्सेसिबिलिटी देने के लिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया था क्या आपको पता होना चाहिए जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और स्टेट कमीशन है ये रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेंगे और ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसीज की तरह काम करेंगे मतलब किसी भी पर्सन को कोई ग्रीवेंस है तो वो अपनी अपनी शिकायत लेके इनके पास जाएगा वही इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगे उसके बाद एक अन, सेपरेट नेशनल और स्टेट फंड भी क्रिएट किया गया है सो दैट जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके ये इंपॉर्टेंट था इसमें नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है इसकी छः स्टेट्स में ब्रांचेस खोली जा रही हैं और इसका काम क्या है डिजीज सर्विलियंस मतलब कोई भी डिजीज है उसको सर्विलियंस करना उसको चेक करना उसको मॉनिटर करना सो so दैट उस डिजीज़ को प्रिवेंट कंट्रोल और मैनेज किया जा सके इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है एन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ये आपको पढ़ना है क्या है ये इसको फॉर्मली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता था इसका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो जो कि हिमाचल प्रदेश में 1909 में मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का है ये इंस्टीट्यूट तब इसको, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसको ये जो अभी प्रेजेंट इसका नाम है ये कब दिया गया 2009 में जबकि डिजीज़ को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन गया था उस टाइम पे इसका नाम चेंज किया गया है ये नोडल एजेंसी की तरह फंक्शन करता है कंट्री में कोई भी डिजीज़ है उसका सर्विलियंस करता है उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए के फैसि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है उसके बाद ये एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है जो कि मैन पावर को ट्रेन करता है पब्लिक हेल्थ लेबरेटरी साइंस और सर्विसेज के लिए बाकी जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व होने के लिए बाकी इसके मेजर फंक्शंस और देख लेते हैं क्या है कोई भी कंट्री में अगर किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा एन उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेट हेल्थ डायरेक्ट को डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करवाएगा उसके बाद काफ़ी सारे एरियाज़ में नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च को ये प्रमोट करेगा सो so दैट जो नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज हैं और कॉम्युनिकेबल डिजीज हैं उनसे आसानी से लड़ा जा सके उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट है ये किसके अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज़ का हेडक्वार्टर इस इंस्टीट्यूट के डेली में देखने को आपको मिल जाएंगे ये इसमें इम्पोर्टेंट था नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि सेबी ने उन सभी Companies से अनक्लेम्ड डेट सिक्योरिटीज का डाटा मांगा है जो भी कंपनीज कंपनीज एक्ट के कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती हैं अनक्लेम्ड डेट सिक्योरिटीज का डाटा सेबी ने मांगा है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा सेबी के बारे में सेबी एक स्टेटरी बॉडी है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है उसको स्टेटरी बॉडी कहते हैं इसको ट्वेल्थ अप्रैल 1992 में बनाया गया था कौन से एक्ट के अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 बेसिक फंक्शन इसका क्या है जो भी इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट और प्रमोट करना हेड क्वार्टर इसके मुंबई में देखे जा सकते हैं रीजनल ऑफिस अहमदाबाद कोलकाता चेन्नई चल, और डेली में आपको देखने को मिल जाएंगे सभी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक चेयरमैन इसमें होंगे और इसमें अदर होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारी कमिटीज़ ये अपॉइंट करती है जब भी किसी इशू को देखने की बात आती है एक सिक्योरिटीज़ एपिलियट ट्रिब्यूनल भी देखने को मिल जाता है अगर कोई भी पार्टी सेबी के डिसीजन से uh, खुश नहीं है तो वो सिक्योरिटीज़ एपिलियट ट्रिब्यूनल को भी अप्रोच कर सकती है इस सिक्योरिटीज़ एपिलियट ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और दो अदर मेम्बर्स अगर किसी पर्सन को फिर भी इसके बाद भी ये लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है सेट के डिसीजन से भी तो वो डायरेक्टली फिर सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है और ये जो सेट है इसमें सिविल कोर्ट्स की पावर वेस्टेड है ये आपको पता होना चाहिए इसमें यही था सी नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है व्यूमेन जो बर्डन लेके चलती हैं जीती हैं उससे रिलेटेड ये एक स्टोरी की तरह है ऑल दो ऐसे में आपको हेल्पफुल हो सकता है पूरा आर्टिकल तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार न्यूज़पेपर से पूरा रीड कर लें थोड़ा थोड़ा मैं इसको आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर देती हूँ यहाँ बात हुई है एक लेडी मालती की ये कहा गया है कि उनको 500 मीटर जाके डेली पानी लाना पड़ता है जो कि वाटर सप्लाई केवल दिन में दो बार आती है और केवल दो घंटे के लिए वाटर सप्लाई रहती है एक ऐसी जगह से जहाँ दस हज़ार रेजिडेंट्स रहते हैं वहाँ पानी की सप्लाई इतनी लिमिटेड है मालती जी को लाइन में लगना पड़ता है और लाइन में लगने के बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जब उनकी टर्न आए तो उनको पानी मिल ही जाएगा इसकी वजह से इन्हें चार से पाँच ट्रिप अपने घर तक की करनी पड़ती हैं दस से बारह बर्तन ये ले के जाती हैं पानी के लिए और उनको भरकर ये ले आती हैं ये प्रोसेस इनकी शाम को इवनिंग में भी रिपीट होती है सो so दैट अपने लो इनकम हाउस होल्ड को ये सफिशेंट वाटर प्रोवाइड करवा सके यही कहा गया है कि लाइक मालती नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के अकॉर्डिंग सेवेंटी फाइव परसेंट वुमेन इंडिया में ऐसी हैं जिनका काफ़ी सारा टाइम और एफर्ट्स जो हैं वो अपने फैमिलीज के लिए पानी लाने में चला जाता है और जो रिमेनिंग घंटे बचते हैं रिमेनिंग टाइम बचता है वो फ्यूल को सिक्योर करने में और घर वालों की केयर करने में उनका जाता है इसलिए जो हमारा अभी फ्रीडम सॉरी फ्रीडम नहीं सेवेंटी फाइव ईयर्स फ्रीडम के हमारी कंट्री को हुए हैं बात ये आई है कि इन वीमेन को मालती जैसी वीमेन को इस डोमेस्टिक काम से डोमेस्टिक बर्डन से कब फ्रीडम मिलेगा मेन इशू ये है क्योंकि इनके पास ये रिपीट रिपीटिटिव टास्क करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है क्योंकि हमारी सोशल कल्चरल नॉम यही कहती हैं कि जो वीमेन होंगी उन्हें ये सब ड्यूटी करनी ही होंगी और वाटर फ्यूल और हाउस होल्ड का अप्लाइंसेज का इनके पास लिमिटेड एक्सेस रहता है ये हमारी सोशो कल्चरल नॉम चलती आ रही हैं उसके बाद और इनकी हालत के बारे में बात की गई है कि मालती की ऐसी हालत केवल तब नहीं है जब वो फिफ्टी ईयर्स की हो गई हैं जब वो टीन टीन में थी उस टाइम भी उनका यही आ, सिनेरियो था उनकी लाइफ का तब वो अपनी मदर के साथ जाया करती और घंटे भर के लिए लाइन में खड़ी रहा करती हैंडपम्प पे अपनी टर्न आने का वेट किया करती और हैंडपम्प अगर टूट जाया करता या खराब हो जाता था या खाली हो जाता था उस टाइम उनको 2.5 किलोमीटर वॉक करके पब्लिक वेल तक जाना पड़ता था जहाँ पे भी लंबी लंबी क्यूज़ होती थी काफ़ी पुअर क्वालिटी का वर्स क्वालिटी का पानी वहां मिलता था और ऐसा कहाँ कहा गया है नेशनल कमीशन फॉर व्यूमेन रिपोर्ट 2005 में ये डाटा दिया गया है ऑल प्राइवेट वेल्स अवेलेबल थे अपर कास्ट नेबर्स में प्राइवेट वेल्स अवेलेबल थे लेकिन वो अभी भी मालती जैसे लोगों के लिए आउट ऑफ रीच थे उसके बाद मालती और मालती की मदर के सिचुएशंस uh, में कुछ डिफरेंस आया है मालती की मदर जो थी वो फायरवुड पे रिलाई करती थी या फिर एग्रीकल्चरल रेजिड्यू जो होता है फायरवुड उसके ऊपर रिलाई करती थी खाना बनाने के लिए लेकिन मालती जो है वो एल सिलेंडर का यूज़ करती है जो कि उसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला है लेकिन उससे भी उसकी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं क्योंकि रिफिलिंग करवाना और बढ़ते हुए प्राइस ये जो है ये डिफ़िकल्टीज बढ़ा रहे हैं मालती जैसी वीमेन की और मालती जैसी वीमेन फिर से फायरवुड की तलाश में जाने लग गई है और 52 परसेंट रूरल इंडिया एल पी जी सिलेंडर के होते हुए भी फायरवुड को सर्च करता है ऐसा कहा गया है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हमें पता है मालती जैसे लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर नहीं होता है इसका मतलब डेली सब्जियां लाएंगी खाना बनाएंगी और ये काम उन्हें तीन बार रिपीट करना है डेली एक दिन में तीन बार ये काम उन्हें रिपीट करना है उसके बाद खाना बनाने का काम उसको सर्व करने का काम बर्तन धोने का काम लॉन्ड्री और अपने बच्चों की देखभाल और मालती का दिन जो है वो यहीं खत्म हो जाता है अब महंगाई को जैसे बढ़ रही है महंगाई उसको देखते हुए मालती ने ये सोचा कि फैमिली की इनकम में कुछ अर्निंग बढ़ाई जाए तो उसने ये जो नई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जब गवर्नमेंट वीमेन को फ्री स्विमिंग मशीन प्रोवाइड करवा रही है तो मालती ने ये होप की कि वो स्विमिंग मशीन ले ले एक लेकिन उससे भी उसके काम का बर्डन कम नहीं होगा क्योंकि जब पूरी फैमिली जो है वो सो जाएगी रात को उस टाइम उसको एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ेगा बस फर्क इतना है कि ये जो एक्स्ट्रा घंटे मालती काम करेगी उसके लिए उसको पे किया जाएगा उसके बाद जो ये डोमेस्टिक ड्रजरी है डोमेस्टिक बर्डन है इसका काफी सारे कॉन्सिक्वेंसिस मालती जैसी लेडीज की हेल्थ पे होता है जैसे एग्जोशन और डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं मस्क्यूलो स्केटलेटल मतलब कमर में जो स्केलेटल होता है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं इम्यूनिटी कम हो जाती है हायर मेंटल स्ट्रेस हो जाता है वीमेन की फिज़िकल सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इससे देखा गया है यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करें तो मीडियम ईयर स्कूलिंग के गर्ल्स के लिए फोर पॉइंट नाइन है बॉयज़ के लिए सेवन पॉइंट थ्री है और ये जो व्यूमेन है जो काम में लगी रहती हैं पूरा दिन इसकी वजह से चाइल्ड केयर में भी कम टाइम वो दे पाती हैं और ऐसा माना गया है कि इससे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एजुकेशन लेवल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है अब बड़ा ब्रॉडर इशू क्या है कि गुजरात के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जब इंडोर पाइप वाटर सप्लाई को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कपल कर दिया जाए मतलब पानी की सप्लाई आप घर घर तक पहुँचा देंगे पाइप के द्वारा और उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आप प्रोवाइड करवाएंगे उस टाइम ऐसा होगा कि जो पानी कलेक्शन वाला टाइम लेडीज़ का बचेगा उसको इनकम अर्न में कन्वर्ट किया जा सकेगा और लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज आज भी आउट ऑफ रीच हैं इसलिए एट लास्ट ये कहा गया है कि आ, क्या करने की ज़रूरत है हाउस होल्ड रोल्स को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो मेन है मतलब मेल है वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करे घर के कामों में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और बेटर स्टेट कैपेसिटी के साथ लाई जाए उसी की हेल्प से जो कासी पब्लिक गुड्स हैं उनको डिलीवरी करवाना आज के टाइम पे ज़रूरी हो जाता है ये मैंने आपको बताया ऐसे के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वीमेन के ऊपर कोई ऐसे आए वीमेन की सिचुएशन के ऊपर कोई ऐसे आए तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इसमें यही इंपॉर्टेंट था अब नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड है हमारे टारगेट्स क्या हैं आपको पता है हमारे पीएम मोदी ने अभी फिफ्टीन अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ये कहा है कि नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स में मतलब जब हमारी कंट्री के हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट हो इंडिपेंडेंस के उस टाइम तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर कर आना है लेकिन उसके लिए आने के लिए हमें अभी जो रिक्वायर्ड रेट है ग्रोथ का वो एट टू नाइन परसेंट चाहिए तभी हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे इसमें सी एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डाटा है सारा ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का ये डाटा सभी चेंज होगा ऑल दो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसका दे देती हूँ इसमें आज मैंने डेफिनेशंस कवर नहीं किए हैं जैसे एन एस ओ रियल जी डी पी नोमिनल जी डी पी और सी पी आई डब्ल्यू पी आई कोई भी आर्टिकल आएगा तो मैं उसमें ये डेफिनेशंस कवर कर दूंगी आज आप जस्ट एक आइडिया ले लीजिए इस आर्टिकल का इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमारी रियल जीडीपी की ग्रोथ थर्टीन पॉइंट फाइव थी जो कि रिजर्व बैंक ने एस्टिमेट किया था सिक्सटीन पॉइंट टू होगी उससे टू पॉइंट सेवन ये कम थी अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा कि थर्ड क्वार्टर में फोर पॉइंट वन रहेगी और फोर्थ क्वार्टर में रहेगी फोर परसेंट लेकिन ये देखा गया है कि टू थाउजेंड -20 के कंपेरिजन में अब जो है केवल थ्री का इंक्रीज आया है और जो हमारी इकोनॉमी है ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुई है क्योंकि नॉर्मलाइज़ अगर हो गई होती तो ये जो ग्रोथ रेट थ्री पॉइंट एट का आया है ये सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन परसेंट का देखने को हमें मिलता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो अगर हमें अपना टारगेट सेवन परसेंट तक पहुंचाना है इस साल तो जो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का उसमें जी डी पी की ग्रोथ कम से कम फाइव परसेंट होनी चाहिए ये इसमें कहा गया है उसके बाद कैसे कैसे ग्रोथ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखी गई है फोर पॉइंट फाइव परसेंट की फर्स्ट क्वार्टर में देखी गई है जो कि नाइन कॉन्जिकटिव क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा थी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ क्या हुई है फोर पॉइंट एट परसेंट है जो कि ओवरऑल कम रही है और ये कोविड नाइन्टीन से पहले वाले ईयर से हमने जब इसको कंपेयर किया है उससे ये आइडिया लगाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में क्या देखा गया है कि फर्स्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा परफॉर्म किया था सेवन परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली थी फर्स्ट क्वार्टर में ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के ये सभी हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो प्री कोविड टाइम से कर रहे हैं ट्वेंटी नाइनटीन से ट्वेंटी वाले क्वार्टर से हम इनको कंपेयर कर रहे हैं उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है मतलब माइनस सिक्स पॉइंट टू चल रही है हम एक्सपोर्ट काफी कम कर रहे हैं इस टाइम इम्पोर्ट ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन एक्सपोर्ट हमारे कम होते जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट क्या बोला है इसने कि इम्पोर्ट ग्रोथ अभी और भी कंटिन्यू करने वाली है रियल और नॉमिनल टर्म्स दोनों में इसका रीज़न क्या है एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हाई प्राइसेस दूसरा जो हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं उसके लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको इम्पोर्ट करेंगे इसलिए हमारी इम्पोर्ट्स अभी फिलहाल और भी बढ़ती हुई देखी जाएंगी नेक्स्ट क्या कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी में अगर हमें सेवन परसेंट की ग्रोथ देखनी है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में तो क्या हो सकता है जो अभी दो क्वार्टर्स हमारे बचे हैं उसमें हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है दो एरियाज पे स्पेशली फोकस देने की ज़रूरत है कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस देना है एक तो इन्वेस्टमेंट रेट को अपने बढ़ाना है दूसरा जो नेट एक्सपोर्ट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना नेगेटिव में माइनस सिक्स पॉइंट टू चल रहा है एटलीस्ट तो उस नेगेटिव को हटा देना है चाहे न्यूट्रल बैलेंस हो जाए लेकिन नेगेटिव में जो चल रहा है उसको ख़त्म कर देना है और क्या कहा गया है जीएसटी कलेक्शन आपको पता है अभी आई थिंक चार पाँच दिन पहले आर्टिकल भी आया था कि छः महीने से कॉन्टीन्यूसली जीएसटी जो है वो वन पॉइंट फोर लेख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर रहा है यही बात इसमें कही गई है और ये जो आ, हुआ है क्यों हुआ है जीएसटी का अच्छा परफॉर्मेशन क्यों देखने को मिला है क्योंकि हायर इन्फ्लेशन देखने को मिला है सीपीआई और डब्ल्यू दोनों लेवल पे इसलिए जी जी की ग्रोथ देखने को हमें मिली है ऑल दो सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिक्स पॉइंट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट बढ़ा है फर्स्ट फोर मंथ्स में लेकिन क्या कहा गया है अगर कंट्री को ट्वेंटी फाइव ईयर्स में डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस अचीव करना है तो हमें ये ग्रोथ रेट जो है वो एट टू नाइन परसेंट लाना होगा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर में सिक्स टू सेवन परसेंट का ग्रोथ रेट हमें अचीव करना होगा और ग्रोथ आएगी कैसे इन्वेस्टमेंट रेट को इंक्रीज करके पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल बढ़ा है लेकिन क्या है एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा है लेकिन प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स में जब बढ़ेगा उसी की हेल्प से ये जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है ये हम अचीव कर पाएंगे केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हेल्प से नहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इक्वली ग्रो करना पड़ेगा इसलिए द जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी अभी रिसेशन का खतरा चल रहा है और इंडिया की जो ग्रोथ है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है या फिर ये कहें कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी केवल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ती है और इस टाइम हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स का फोकस कहाँ होना चाहिए सेक्टर वाइज ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट की सेक्टर वाइज ग्रोथ पे सो दैट कि कोई भी बोटल नेक्स जो है ग्रोथ के उनको हटाया जा सके और ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट किया जा सके ये था इस आर्टिकल में जो भी टर्म्स आई हैं ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स है अगर आप बेसिक बुक्स कवर कर चुके हैं इकोनॉमी की तो आपको पता होंगी ऑल दो तो कोई भी आर्टिकल आएगा तो मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छे से आज का न्यूज एनालिसिस यही था अब वो देख लेते हैं वो कवर करेंगे वो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटोरेज एंटोरेज का मतलब घेरा एंड सर्कल मतलब किसी को घेर लेना किसी पर्सन को घेर लेना torage, उसके लिए ये वर्ड यूज होगा दूसरा ड्रेजरी कठिन परिश्रम हार्ड लेबर ड्रेजरी का वर्ड अभी हम से रिलेटेड जो आर्टिकल करके आए उसमें ड्रेजरी वर्ड यूज हो रहा था उसका मतलब है कठिन परिश्रम अब जो आज का क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजन फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट इन द बेरोबारी केस रूल दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड इन केशव नंदा भारती केस रिवर्स द डिसीजन एंड रूल दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताना था कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है तो मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि ये रिवर्स दी गई है बेरोबारी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और हैंस प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता लेकिन अपना डिसीजन केशव नंदा भारती केस में रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ थर्टीन जजिस का एक लार्ज बेंच बैठा था काफ़ी इंपॉर्टेंट केस इंडियन हिस्ट्री में ये माना जाता है क्योंकि इसकी वजह से एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो निकल कर आया था इसमें क्या कहा कह दिया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसलिए इसको अमेंड किया जा सकता है लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का डी इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा हेल्पफुल लगा होगा अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है, तो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करना है अप्रिशिएट आप कैसे करेंगे वीडियो को लाइक करके वीडियो पे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके थैंक यू सो मच